दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। आम आदमी पार्टी की लड़ाई में ये गुंजाइश शुरुआत से कभी रही ही नहीं। इस ड्रामे का पटाक्षेप हो गया, लेकिन खत्म होने से पहले कितनी परतें उधड़ गईं। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 ML लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को स्टिंग ऑपरेशन करना क्या सिखाया, उन पर ही स्टिंग का डंक चला दिया गया। जिस रिकॉर्डिंग का हिस्सा अभी हमने आपको सुनाया, वो एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उमेश सिंह की अरविंद केजरीवाल से बातचीत का टेप। प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो पंथी करी है, मतलब इतना, उन्होंने कहा RTI लागू करो, हमने RTI लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट ही। इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। स्टिंग की वैधता तो जांच की मोहताज है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने स्टिंग एक एक कर सामने आते गए, केजरीवाल पर लग रहे आरोपों की तस्दीक करते रहे। हाल ही में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें केजरीवाल ने कांग्रेस को तोड़ने तक की बात कह दी थी। अरविंद जी बोले कि आप एक काम करो कि हमने बहुत कोशिश कर ली है, 1.5 महीने से बात नहीं बन पा रही है, कांग्रेस तो शायद समर्थन नहीं करेगी, आप एक काम करो कि इसमें जो 8 MLAs हैं कांग्रेस के उसमें से 6 को तोड़ लो। ये बात किसने कही है? अरविंद केजरीवाल जी ने कही है। मैं जो कह रहा हूँ कोई अच्छे मन से नहीं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए। वो जोड़ तोड़ है, हॉर्स ट्रेडिंग शब्द एक पत्रकार बोल रहे थे। ट्रेडिंग क्या होती है? कुछ खरीदना क्या? उसमें अरविंद ने ये कहा कि इन्हें खरीद लो, इन्हें मंत्री बना दूंगा, इन्हें पैसे दे दूंगा। उसने कहा कि आप बात करिए, अगर देखिए मुझे पता नहीं वो सत्य कितना है कितना नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने दिया है उसकी सत्यता तो बहुत ही संदिग्ध है। उस व्यक्ति ने मुझे वो भेजा था और कहा था कि मेरा टिकट पक्का कराइए, अन्यथा मैं एक्सपोज कर दूंगा। मैंने उसको लिख के भेजा, जो ब्लैकमेल मत करिए, जो करना है करिए। आज की बात नहीं है, ये महीनों पूर्व की बात है। मैंने तुरंत पार्टी को फॉरवर्ड भी कर दिया था वो सब कि भाई इसने ये भेजा है, देखो ये क्या कह रहा है। इसमें कोई भी स्टिंग ऐसा नहीं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा हो जो गैर कानूनी है, लेकिन सिद्धांतों के जिस आसमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री विराजमान हैं, वहाँ ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईमानदारी का पाठ दुनिया को पढ़ाने वाले अरविंद खुद राजनीति की खातिर अपने उसूलों से समझौता करने को सहर्ष तैयार दिखे। तो क्या केजरीवाल की राजनीति, केजरीवाल के सिद्धांत, केजरीवाल का सच केवल मुखौटा था? क्या भ्रष्ट लोगों की सार्वजनिक सूची जारी करने वाले दिल्ली के CM केवल दिखावा कर रहे थे? जब राजेश गर्ग का किया हुआ स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक हुआ था तो उसकी जांच की आवाज भी उठी थी। योगेंद्र यादव ने भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इसे केजरीवाल का विरोध मानकर दरकिनार कर दिया गया। तब तो अंजलि दमानिया इतनी आहत हुई थी कि पार्टी ही छोड़ गई थी। मैं आई थी इस देश को बदलने के लिए, इस गंदी पॉलिटिक्स को बदलने के लिए, इस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए। बाहर के लोगों से हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, पर दिल्ली के चुनाव के बाद पार्टी के अंदर जानबूझ के भी बहुत सारे लोग घुसे हैं, और जो जितनी गंदगी फैलाने की कोशिश वो कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं, और उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा अनईजी थी, और ये अभी नहीं काफी दिन से चल रहा था। ये तो वो चेहरे थे जिनका जाना नजर आया, जाने कितने अनगिनत ऐसे समर्थक रहे होंगे जिनका भरोसा चकनाचूर हो गया होगा और आवाज भी नहीं आई। व्यवस्था बदलने, देश बदलने की उम्मीद टूट गई होगी। जब 5 साल केजरीवाल के नारे को बुलंद किया गया था, तब उनके पहले कार्यकाल के 49 दिनों का जिक्र भी छेड़ा गया था। जल्द कुर्सी छोड़ने की माफी एक तरफ थी, महज 1.5 महीने के कामकाज में उनकी सरकार की मंशा को दिखाने की कोशिश हुई थी। दरअसल उन 49 दिनों को याद करें तो काम करने की हड़बड़ी दिखी थी। इस दफा सरकार बने 2 महीना होने को आ रहा है, काम के नाम पर दिखता है तो केवल टकराव। क्या केजरीवाल जानते हैं कि इस बार उनके पास मियाद लंबी है? पार्टी के भीतर खुद के खिलाफ विरोध की आवाजों को पहले शांत करें, फिर काम शुरू करें। लेकिन ये कार्यशैली तो वाकई उन आरोपों की तस्दीक है जो उन पर वक्त बेवक्त लगते रहते हैं।
पिछली बार सत्ता में आने के बाद से ही पार्टी से छिटकने वाले, केजरीवाल से बिदकने वालों की कमी नहीं रही। कांग्रेस के समर्थन से अपने 28 विधायकों के साथ केजरीवाल ने जब पहली बार दिल्ली की गद्दी संभाली थी तो बदलाव की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन पार्टी विवादों में घिरती चली गई। कभी बड़े घर को लेकर, कभी सरकारी गाड़ी को लेकर, यहां तक कि पार्टी के कई मंत्री अपने व्यवहार को लेकर भी सवालों के घेरे में आए। लेकिन केजरीवाल ने पार्टी के आंतरिक लोकपाल की क्लीन चिट थमाकर ऐसे हर विवाद पर पर्दा डाला। लेकिन इससे पार्टी के अंदर की कलह भी सामने आने लगी। सबसे पहले लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने ही बगावत की आवाज उठाई थी और केजरीवाल पर तानाशाह होने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ी। कामयाबियों और विवादों के बीच लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अरविंद दिल्ली की गद्दी छोड़कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकने बनारस पहुंच गए थे। अरविंद को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद तो जैसे पार्टी के दिग्गजों में पार्टी छोड़ने की होड़ लग गई। कभी अरविंद की बेहद करीबी माने जाने वाली शाजिया इल्मी ने उन पर अड़ियल रवैये का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी, तो संस्थापक सदस्य अश्विनी उपाध्याय ने भी इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। मैं स्पोक्सपर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ, तो मैं उन सब से त्याग पत्र दे रही हूँ। पार्टी में इंटरनल कोई डेमोक्रेसी नहीं है, 5 लोग मिलते हैं पूरी पार्टी चला रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आपके आशुतोष, आपके योगेंद्र यादव और संजय सिंह, ये 5 लोग मिलकर पूरी पार्टी चला रहे हैं। चौदह में दिल्ली चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी की सरकार में स्पीकर रह चुके MS धीर ने भी BJP का दामन थाम लिया। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में सब साथ थे, एक सुर थे, एक आवाज थे। आंदोलन की जमीन से जन्मे जन सैलाब को सियासत की लड़ाई में तब्दील किया। तमन्ना की कीमत पर भी सब साथ ही रहे, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते रास्ते इतने संकरे होते चले गए कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना मुश्किल हो गया। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे छूटते चले गए।